ऐसे तो पापा हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ हैं तो सब मुश्किलें खाक है, और जब मुश्किल वक्त आया तो चल दिया अकेले टकराने। मैं बंद करके अकेली चली गई वो बाबा की मदद करने। हम तो सिर्फ 4 साल बड़ी है और दिखाती है ऐसे कि 40 साल बड़ी हो। चल अफी, हुनर दिखा। हुनर? कैसा हुनर? चलो भी, ये देखे एक ही हुनर है तुम्हारे पास, उसको भी मानने में शर्मा रहे हो। हमें पता है नफी, तुमने किस ताले वाले के साथ काम किया। चाह तुमने ताले बनाने से ज्यादा ताला खोलना सीखा है। ठीक है, तुम कहते हो तो कोशिश करके देखता हूँ। वाह मेरी चोल दोस्त, अब चल पापा के पास, चल 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 चल। ना हमने कभी दोस्तों को छोड़ा है और ना कभी छोड़ेंगे। अलीफी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वापस जाओ। Thank you.
जाबाज, काबुल का पहरेदार। तू लिखेगा दास्ताने काबुल में। गया है मेरे महबूब, इस ग्रहण के लगते चांद को फना करने का पल आ गया है। हर सिपाही की तकदीर में वो एक दिन हमेशा आता है जो दिन ये तय करता है कि वो फौजी कहलाने के लायक है या नहीं, कि वो बेखौफ मुजाहिद है या नहीं, वो लश्करे करदार कहलाने के काबिल है या नहीं। जिस मुकद्दस दिन का इंतजार हर सच्चा सिपाही साथ में कफन लिए करता है, वही है आज का दिन। इसी कफन में दबाना है आज तुम्हें अपने दुश्मनों को। इस दुश्मन के पास जादू भी है और काली शक्तियां भी। ये जंग जीतने के लिए नहीं, सिर्फ तबाही फैलाने के लिए लड़ता है। दुश्मन शातिर है, हरे भी है, इससे लड़ने के लिए हमें बाजुओं की ताकत के साथ साथ अकल की ताकत का भी पूरा जोर इस्तेमाल करना होगा। मामूजान, मामूजान आओ। मरियम, अबू जान ने तुम्हें बुलाया। हौसलों के बिना जीती जा नहीं सकती। हौसले मजबूत होते हैं मोहब्बत से, अपने वतन के लिए मोहब्बत, अपनों के लिए मोहब्बत। आज इन्हीं अपनों के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो पीछे हटेंगे नहीं हम। Yeah!
बचेगा नहीं आज तू अली बाबा। काबुल का मुकद्दर तुम्हारे हाथों में है। आज दुश्मन के खून से काबुल की जमीन पर लिख डालो। सुल्तान सलामत रहे। सुल्तान शहजादे का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ है वो। जब भी कभी आसमानी मुजाहिर नजर आए जिससे चांद को खतरा हो, तो समझ लीजिएगा कि शैतान यलगार कर चुके हैं। इसलिए काबुल की और शहजादी की जिम्मेदारी आप पर है सुल्तान। इनकी मासूमियत पर सियाह दहशत का साया भी ना पड़े। बच्चों को लेकर घर जा। बाबा, लेकिन बाबा तू बच्चों तुम लोग बच्चों मेरी बात समझो। खुद रहो, तू बच्चों को लेकर घर जा, मैं देखता हूं उनको। जाओ अलीफी, बच्चों को लेके निकलो। भाईजान, बाबा को बचा लीजिए, वो उधर। बस यही काम रह गया है, कभी तुम माओ कहो कि उन्हें बचा लो, कभी वो आए कहें कि तुम्हें बचा लो। सबको बचाते रहे अजीज, बस जैसे बाहर तख्ती लगी हो कि यहाँ सबको बचाया जाता है। हम सच्ची कह रहे हैं, वहाँ बाबा शाही सड़क में बहुत मुसीबत में है। हाँ तो किसने कहा था उस बेशर्म को शाही सड़क जाने के लिए? इतना कुछ हो गया फिर भी अकल नहीं आई उसे। अब अगर वहाँ मार खा रहा है तो गलती तो उसी की है ना, बल्कि ये तो सही है, पिटेगा तभी उसका दिमाग दुरुस्त होगा। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। भाईजान खड़े क्यों हो, सुनाई नहीं दिया अजीज ने क्या कहा? चलो निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो अजीज ने कहा निकलो यहाँ से, बाबा सच में मुसीबत में। जरा सा रोमानी होने लगो ये मनहूस टपक पड़ते हैं। अब क्या करें आपा? परेशान मत हो गुलरेस, हम मामूली गली में, अपनों की कमी नहीं है यहाँ। इस चांद ग्रहण के साथ मेरी सालों से इकट्ठा की हुई ताकत आज बाहर आएगी। वक्त आ गया है। ये ताकत आज मोड़ देगी आसमान का रुख। खत्म कर दूंगी मैं वो जादू जिसने मेरे 40 चोरों को अब तक कैद करके रखा है। इस चांद ग्रहण के साथ होगा आज दरारे खलाम।
सदाम। मरियम कहाँ? मेरे रहते हुए मरियम कहाँ जाएंगी सुल्तान? मेरे साथ एकदम महफूज है। मुझे पता था उसके मामू जान के होते हुए मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, बल्कि मैं तो सोच रहा था सुल्तान कि आपको मरियम की फिक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। कब से खंजर तराश कर बैठा था, आज अपनी मंजिल में घुस आया सुल्तान। नहीं हूं मैं, गद्दार नहीं हूं। मेरी वफादारी किसी और की तरफ है। 40 चोरों की गुफा की मलिका सिमसिम की तरफ। सिमसिम जी मेरी बड़ी खास है। नाम तो सुना होगा। ना इंसान बड़े कमजोर होते हैं सुल्तान, और मेरी फितरत शैतानों से ज्यादा मेल खाती है। जीजा का तो इंतजाम हो गया, अब भांजी को भी थोड़ा प्यार दे दे। खत्म कर दो इस मामूली गली के अली बाबा को। आज की रात मिसाल बनेगी पूरी इंसानी नस्ल के लिए। इस तबाही के बाद रूह कांपेगी इंसानों की, इबलिस के नाम से मोहर लग गई है इस लम्हे पर तबाही की।